हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम आज देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एंड हम कैसे असेसमेंट एंड मेजरमेंट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ग्रोथ सबसे फर्स्ट हम देखते हैं। ग्रोथ ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। क्वालिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया। इसमें ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी का साइज क्या है, साइज एंड नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है मतलब ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये क्या होती है? मेजरेबल है। और इसको हम मेजर किसमें करते हैं? केजी, पाउंड, इंच एंड सेंटीमीटर में। अब आते हैं हम डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या है? एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, फंक्शनली एंड फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है किसका? स्किल एंड एक्टिविटीज एबिलिटीज। एक्टिविटीज एंड एबिलिटीज का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और ये नॉन मेजरेबल होता है। क्या होता है? नॉन मेजरेबल है। डेवलपमेंट को क्या करते हैं? मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वो भी किसमें? केजी, पाउंड एंड इंचेस में। ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ग्रोथ में बॉडी का साइज, नंबर ऑफ सेल्स, फिजिकली बॉडी साइज एंड सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? फंक्शनली एंड फिजियोलॉजिकली क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। स्किल एक्टिविटीज एंड एबिलिटीज का जो डेवलपमेंट होता है वो मेजरेबल नहीं होता। और जो ग्रोथ है वो क्या होता है? मेजरेबल होता है। और इसको हम किससे मेजर करते हैं? केजी, पाउंड, इंचेस एंड सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में सबसे पहले आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की क्या होती है? ट्राइसोमी मीन्स 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी
ट्राइसोमी होती है। फिर आपका नेक्स्ट है पेटो सिंड्रोम। कौन सा? पेटो सिंड्रोम। पेटो सिंड्रोम में क्या होता है, 15th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। फोर्थ में आता है आपका राइबोचेट, राइबो चेट सिंड्रोम, राइबोचेट सिंड्रोम। राइबोचेट सिंड्रोम में क्या होता है, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। डाउन सिंड्रोम जिसमें 21th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें 18th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी होती है। पेटो सिंड्रोम जिसमें 15th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। क्रायो चेट सिंड्रोम जिसमें 13th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। मतलब इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैलिनफेल्टर सिंड्रोम। कैलिनफेल्टर सिंड्रोम क्या करता है, ये मेनली मेल को अफेक्ट करता है। मेनली किसको अफेक्ट करता है, मेल को अफेक्ट करता है। मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा होता है तो क्या हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई। और नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो बेबी होता है, जो बेबी है मतलब फीमेल बेबी, ये किसको अफेक्ट करता है, फीमेल को अफेक्ट करता है। फीमेल को अफेक्ट करता है, जो फीमेल है, फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स जो होते हैं क्रोमोसोम, इसमें से एक क्रोमोसोम क्या होता है, एक क्रोमोसोम आप प्रेजेंट नहीं होता तो ओनली एक्स क्रोमोसोम रह जाता है। एक क्रोमोसोम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रीनेटल फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे प्रीनेटल फैक्टर। नेक्स्ट है सेकेंड प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स मींस बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो क्या चांसेस होते हैं, बेबी को भी होने के चांसेस होते हैं, जिससे वो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर मदर को किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण क्या होगा, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करता है, जैसे कि टॉर्च, TORCH टॉर्च। नेक्स्ट सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पर क्या करती है, अल्कोहल यूज कर रही है, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब कंजप्शन कर रही है, तो भी बेबी के क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा माल न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन है तो बेबी को क्या होगा, अगर मदर माल न्यूट्रिशन है तो बेबी को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पोस्टनेटल फैक्टर्स। क्या है नेक्स्ट हमारा, पोस्टनेटल फैक्टर्स। हमने फर्स्ट देखा जेनेटिक फैक्टर्स, फिर देखा प्रीनेटल फैक्टर्स, अब देखेंगे पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स मीन्स आफ्टर बर्थ बेबी को जो भी फैक्टर्स हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं पोस्टनेटल फैक्टर्स। सबसे फर्स्ट आ जाएगा एडॉप्टेशन ऑफ
एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ एनवायरमेंट। अगर बेबी बॉर्न हुआ है उस टाइम क्या कर रहा है, बेबी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के एनवायरमेंट को एडजस्ट करने में, एडॉप्ट करने में, तो भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। सेकेंड, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या है, बहुत पुअर है, तो भी बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या होगा, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, चाइल्डहुड इलनेस। अगर बेबी को कोई चाइल्डहुड इलनेस है तो भी क्या होता है, बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स। जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करता है बेबी, जो फीटस है, फीटस क्या करता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्यूरेशन। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके मैच्यूरेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो भी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे असेस एंड मेजर करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट अब देखते हैं, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट देखेंगे वेट, क्या देखेंगे, वेट। बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 केजी से 3.9 केजी होता है। कितना होता है बेबी का वेट, 2.5 केजी टू 3.9 केजी होता है। और एवरेज वेट देखें हम बेबी का, एवरेज वेट 2.9 केजी, कितना होता है 2.9 केजी होता है। 0 टू 10 डेज ऑफ लाइफ, जब बेबी बॉर्न होता है 0 टू 10 डेज की जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है, बेबी का वेट, बेबी का वेट जो होता है लूज, लूज होता है। वो क्यों होता है, बेबी का वेट जो 0 टू 10 डेज की लाइफ होती है उसके बीच में क्या होता है, बेबी का वेट क्या होता है, लॉस होता है। वो किस कारण से होता है, एडॉप्टेशन ऑफ, एडॉप्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। जो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, जब बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है उसके बाद वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करता है, अडॉप्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको अडॉप्ट करने में, तो भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बेबी के वेट लॉस के लिए। सेकेंड, किडनी मैच्यूरेशन, किडनी मैच्यूरेशन क्या होता है, प्रॉपर किडनी मैच्योर नहीं हो पाती जिसके कारण बेबी का जो यूरिन आउटपुट होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण भी बेबी का जो है वेट लॉस होता है। लास्ट होता है पुअर ब्रेस्ट फीड, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या करते हैं बेबी को, बेबी के वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेबी का वेट गेन कब होता है, बेबी का वेट
कब गेन होता है? बेबी वेट गेन करता है 10 डेज से 3 मंथ ऑफ लाइफ में। 3 मंथ ऑफ लाइफ में क्या करता है बेबी? वेट गेन करता है। और कितना वेट गेन करेगा बेबी? कितना वेट गेन करता है? 25 to 30 ग्राम पर डे। पर डे कितना वेट गेन करेगा? 25 to 30 ग्राम पर डे क्या करता है बेबी? वेट गेन करता है। तो बेबी का जो वेट है वो डबल कब होता है? बेबी का वेट डबल होता है 6 मंथ ऑफ लाइफ में। 6 मंथ ऑफ लाइफ में बेबी का वेट क्या होता है? डबल। एट बर्थ बेबी 3 केजी का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 केजी। और 1 ईयर ऑफ लाइफ में बेबी का वेट कितना होता है? ट्रिपल। यहाँ पर बेबी कितने केजी का हो जाएगा? 9 केजी का। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बेबी का वेट ट्रिपल कितने ईयर में या कितने मंथ में होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाइट। वेट हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइट। बेबी की नॉर्मल हाइट कितनी होती है? कितने मंथ में बेबी का हाइट डबल होता है और कितने मंथ में ट्रिपल होता है? सेकेंड है अपना हाइट। नॉर्मल हाइट कितनी होती है बेबी की? 45 to 55 सेंटीमीटर। और एवरेज हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। अब 0 to 6 मंथ में, तो 6 मंथ में क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ क्या होता है बेबी की हाइट इंक्रीज होती है। और 6 to 12 मंथ में 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है। तो 6 मंथ में कितनी हाइट होगी बेबी की? 3 मंथ में कितनी? 60 सेंटीमीटर। 6 मंथ में 65 सेंटीमीटर। 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर। 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होता है? 1 ईयर में 50% इंक्रीज होती है बेबी की हाइट। 50% इंक्रीज हो जाती है बेबी की हाइट। और 4 ईयर में बेबी की कितनी हाइट हो जाती है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेबी की हाइट कितनी होती है? डबल हो जाती है। 13 ईयर में 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर 13 ईयर में बेबी की हाइट क्या होती है? ट्रिपल हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेड सरकमफेरेंस। बेबी का हेड सरकमफेरेंस, अब हम देखते हैं हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस जो है हम मेजर करते हैं नॉन स्ट्रेचेबल इंच टेप से मेजर करते हैं। कहां से कहां तक मेजर करते हैं? एंटीरियर सुप्रा ऑर्बिटल से लेकर पोस्ट ऑक्सीपिटल प्रोट्यूजन, जो हमारा बैक ऑक्सीपिटल होता है, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल तक हम क्या करते हैं? बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस है वो नॉन स्ट्रेचेबल इंच टेप से हम मेजर करते हैं। नॉर्मल कितना होता है हेड सरकमफेरेंस? 33 to 35 सेंटीमीटर। ये क्या है? नॉर्मल है। और 0 to 6 मंथ में 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और 1 ईयर की लाइफ में कितना? 45 सेंटीमीटर होता है। सेफ
सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है 32-33 सेंटीमीटर और 1 ईयर की लाइफ में कितना हो जाता है 45 सेंटीमीटर। मतलब जो हेड सर्कमफेरेंस है और चेस्ट सर्कमफेरेंस है ये 1 ईयर की लाइफ में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, 1 ईयर की लाइफ में इक्वल हो जाते हैं। और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, इक्वल हो जाते हैं। और जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है हम मेजर कैसे करते हैं, बेबी का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है हम कैसे मेजर करते हैं, जो बेबी के निप्पल होते हैं बेबी के निप्पल का लेवल मिलाकर हम मेजर करते हैं बिटवीन बेबी का जो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन रहता है वो देखकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है और हम कैसे मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्यों किया जाता है, बेबी का जो माल न्यूट्रिशन है उसको हम असेस करते हैं, बेबी मालनरिस्ट तो नहीं है, इसका असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस करते हैं। मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है 9-11 सेंटीमीटर होता है एट बर्थ, और 1 ईयर की लाइफ में कितना हो जाता है बेबी का मिड आर्म सर्कमफेरेंस 12-16 सेंटीमीटर, एंड 5 ईयर की एज में कितना हो जाता है 15-17 सेंटीमीटर। देन हम कहां तक हम मेजर करते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला टू ओलिक्रोनियन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये हमारा स्केपुला होता है और ये होता है अल्ना। हम हैंड को क्या करते हैं ऐसे फोल्ड करते हैं, देन हम फिर उसके बाद क्या करते हैं साके टेप से हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं मिड आर्म को हम क्या करते हैं मेजर करते हैं थ्रू दी साके टेप। साके टेप के थ्रू क्या करते हैं हम मेजर करते हैं, साके टेप में एक ही रेड येलो एंड ग्रीन, ये होता है साके टेप, ये होता है रेड येलो एंड ग्रीन, ऐसे मार्किंग की जाती है। इसमें रेड कलर है वो होता है 12.5 to 13.5 इंडिया होता है 13.5 सेंटीमीटर। जब हम मेजर करते हैं, अगर मेजर करते टाइम जो बेबी का मिड आर्म है वो कितना होता है 12.5 से बिलो होता है, मतलब बेबी क्या है मालनरिस्ट है, सीवियर मालनरिस्ट है। अगर येलो है तो येलो में क्या है बेबी माइल्ड मालनरिस्ट, और 13.5 है अगर तो बेबी क्या है प्रॉपर हेल्दी बेबी, नरिशमेंट नहीं है बेबी क्या है हेल्दी है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए मैंने आपको टू मेथड बताए थे, एक साकिर मेथड, सेकंड हम देखते हैं बेंगल मेथड। सेकंड कौन सी मेथड है बेंगल मेथड में क्या करते हैं हम 35 सेंटीमीटर का बैंगल जो है वो क्या करवाते हैं बेबी के आर्म से हम क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं। अगर बेबी का जो है 35 सेंटीमीटर का बैंगल अगर उसके आर्म से क्रॉस हो जा रहा है मीन्स बेबी क्या है मालनरिस्ट है। अगर 35 सेंटीमीटर का बैंगल क्रॉस नहीं हो रहा है मतलब बेबी का जो न्यूट्रिशन है वो क्या है प्रॉपर है, बेबी मालनरिस्ट नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, आगे हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।